हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 12.1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज का पार्ट वन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री, फाइंड इट्स बेस एंगल्स। तो देखिए, यहां पर आपको गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट्स से ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। लेट्स से हमने कहा ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ओके। अब बात को समझो, यहां पर बोला गया है द वर्टिकल एंगल। अब ये वर्टिकल एंगल क्या होता है, देखिए ये आपका होता है वर्टिकल एंगल, और ये जो दो आपके नीचे वाले एंगल हैं इनको कहते हैं बेस एंगल्स। तो ये आपके हो गए बेस एंगल्स, ओके। कौन कौन से एंगल, बी एंड एंगल सी, ये आपके बेस एंगल्स हैं, ओके। और बात करें हम वर्टिकल एंगल की, तो वर्टिकल एंगल कौन सा होगा आपका, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जो बेसिक चीजें हैं उनको यहां पर लिख लेते हैं, सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो। वर्टिकल एंगल होगा आपका एंगल ए, ओके। इसका क्या मतलब है, बेस एंगल्स को छोड़कर जो तीसरा एंगल है वही आपका वर्टिकल एंगल होगा। क्वेश्चन के अंदर वर्टिकल एंगल का वैल्यू भी गिवन है 100 डिग्री, ठीक है। कितना वैल्यू है, 100 डिग्री, ओके। आपको निकालना है बेस एंगल, यानी कि इन दोनों एंगल्स को आपको फाइंड करना है कि दोनों एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें टू साइड्स इक्वल हैं, ओके, और इसके दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपकी साइड्स इक्वल हैं। साइड्स अगर इक्वल हैं, हमने यहां पर लिख दिया कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, है ना। इन दोनों साइड के नीचे जो एंगल होगा, ठीक है, वो भी बराबर होगा। क्यों होगा, आप यहां पर लिख दोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो देखिए, यहां पर आपको एंगल बी और एंगल सी का जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि ये एंगल आपका एक्स है, तो ये भी आपका एक्स डिग्री हो जाएगा, है ना। दोनों एंगल सेम है तो हमने इनको एक्स मान लिया, ओके। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ओके, इसको हमने एक्स मान लिया। अब आपको यहां पर अप्लाई करना है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यू कैन राइट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यू कैन राइट, अगर इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं तो आप क्या कहोगे, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल ए का जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 100 डिग्री, तो यहां पर आप पुट कर दोगे, और बी और सी को हमने क्या माना है, एक्स डिग्री, तो आप यहां पर लिख दोगे एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब सिंपली इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपका 2x हो जाएगा, ओके, और ये आपका 100 इज इक्वल टू 180, ये 2x, ये आपका 100 यहां माइनस हो जाएगा, ओके, ये आपका कितना बचेगा 80, और यहां पर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया है। इसका मतलब है जो बेस एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल B और एंगल C दोनों का वैल्यू कितना होगा, 40 डिग्री, ठीक है। एंगल B भी आपका 40 डिग्री होगा क्योंकि दोनों एंगल आपके सेम होंगे, ओके। तो एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री।
एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन फिगर 12.23, ये आपकी फिगर है 12.23, ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपकी ए बी है और ये आपकी ए सी, दोनों साइड इक्वल हैं। एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 105, 105 डिग्री, ठीक है। एंगल ए सी डी आपका ये वाला बनता है, ठीक है, ये वाला। फाइंड एंगल बी ए सी, आपको निकालना है एंगल बी ए सी, ठीक है। तो ये एंगल आपको फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन है वहीं से आपको शुरुआत करनी है। जैसे आपको साइड गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एंगल भी बराबर होगा, ओके। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यही तो हमने पढ़ा था, है ना। अगर आपकी साइड बराबर है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका सिंपल सा मतलब है अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद यहां पर देखो आप, अगर मैं बात करूं कोई भी लाइन है और यहां पर हमने कोई भी एंगल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर आपका लीनियर पेयर फॉर्म करता है ना। आप यहां पर देखें ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर लीनियर पेयर बनता है। इसका क्या मतलब है, लेट से मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा आपका 180 डिग्री के बराबर। क्यों होगा, यहां पर लीनियर पेयर फॉर्म करता है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एंगल ए सी डी जो है वो 105 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे, यहां से एंगल ए सी बी फाइंड कर लेंगे, ओके। 180 माइनस 105, दैट मीन्स यू विल गेट 75 डिग्री। अब इस ए सी बी का जो वैल्यू है वो आ चुका है 75 डिग्री, ओके। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हम ऑलरेडी लाइन्स एंड एंगल्स में इसको बार बार पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। इसके बाद क्या करना है, आप सिंपली यहां पर लिख दें 75 डिग्री। देखिए एंगल बी और एंगल सी आपके बराबर थे, है ना, हमने यहां पर लिखा हुआ है बिकॉज ये आपको गिविन था, साइड गिविन थी, तो आपने बोल दिया कि एंगल बी और एंगल सी भी आपका बराबर होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। इसका सिंपल सा मतलब है अगर ये 75 है तो ये भी आपका 75 डिग्री होगा। अब यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि तीनों एंगल का जो सम होगा ट्रायंगल के अंदर वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ओके। नाउ यू कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर आप फाइंड कर चुके हो एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू 75 डिग्री ईच, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वैल्यूज को पुट कर दोगे, ओके। जैसे आपने यहां पर इसको फाइंड कर लिया था, ये आपका एंगल सी था और एंगल सी जो है वो आपका बराबर था एंगल बी के, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू भी आपका 75 हो जाएगा। अब यहां से आप एंगल ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, ये आपका 150 हो जाएगा ऐड करने के बाद, दैट मीन्स एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ओके। तो यहां पर आप लिख सकते हो एंगल ए इज नथिंग बट एंगल बी ए सी, ओके, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए बहुत सिंपल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है और फाइंड करना है उसका एक्सटीरियर एंगल, ओके। लेट से ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, और आपको मालूम है कि इस ट्रायंगल के अंदर, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स बराबर होते हैं, ओके, 60 डिग्री ईच, तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया। और इसके साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो यूज करनी है, क्या है वो, देखिए यहां पर एक्सटीरियर एंगल बेसिकली क्या होता है, जो ट्रायंगल से बाहर का एंगल होगा, तो देखिए जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बेसिकली
होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल किस तरीके से आप इस ट्रायंगल के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। ओके, अगर मैं इस बीसी लाइन को एक्सटेंड कर दूं यहां पे, ओके, इस तरीके से, और एबी लाइन को भी मैं यहां पर एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ई, ओके, और इसको नाम दे दिया मैंने एफ, और अगर मैं एसी लाइन को यहां एक्सटेंड कर दूं आगे, ओके, इसको मैंने नाम दे दिया डी, ठीक है, इस तरीके से मैंने नेमिंग कर दी। अब आपको यहां पर समझना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। देखिए, ये आपका बनेगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये बनेगा आपका एक्सटीरियर एंगल और ये बनेगा आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ए सी एफ, ए सी एफ आपका एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल सी बी ई, एंगल बी ए डी, ठीक है। तो ये तीन एंगल आपके कैसे हैं, एक्सटीरियर एंगल, जो कि बाहर की तरफ बनते हैं, ट्रायंगल से बाहर बने हैं, ओके, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इनको, एक्सटीरियर एंगल्स। इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो और हमें इन्हीं एंगल्स को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो देखिए, हमें क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करना है। किस तरीके से, अगर मैं बात करूं एंगल ए सी एफ की, ओके, एंगल ए सी एफ की, तो यहां पर ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ओके, कौन सा एंगल ए सी एफ, तो ये क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दो एंगल होंगे आपके, कैसे होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे लेकिन अपोजिट हैं, ओके। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम होगा आपका एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 120 डिग्री। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एंगल सी बी ई और एंगल बी ए डी वो भी आपके 120 डिग्री ही होंगे, क्यों, क्योंकि हर एंगल आपका 60 डिग्री का है, ओके। तो चलिए देखते हैं एंगल सी बी ई किस तरीके से आप फाइंड करेंगे। यहां पर देखिए, एंगल सी बी ई, तो अपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये वाले, ठीक है, इनकी मैं बात कर रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल आपके अपोजिट होंगे, ओके। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं 60 प्लस 60, ये भी आपका हो जाएगा 120 डिग्री। इन द सेम मैनर आप फाइंड कर सकते हैं एंगल बी ए डी, ओके, आप यहां पर देखें एंगल बी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल पूछा है, तो अपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये वाले, ये और ये, ठीक है, दैट मीन्स ये और ये एंगल आपके अपोजिट होंगे, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट मीन्स 120 डिग्री। आपने देखा सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए सी एफ, एंगल सी बी ई और एंगल बी ए डी, सबका जो वैल्यू है वो सेम है, 120 डिग्री 120 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है, आपके सामने एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, ओके, इसका सिंपल सा मतलब है कि टू साइड्स विल बी इक्वल। लेट से हमने कह दिया कि जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, इसका सिंपल सा मतलब है एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो बेस है आइसोसेलस ट्रायंगल का, ठीक है, इसको दोनों तरफ हमने यहां पर एक्सटेंड कर दिया है, लेट से इसको मैंने इस तरफ कर दिया और इसको इस तरफ कर दिया, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया डी और यहां पर इसको मैंने नाम दे दिया ई, ओके, इस तरीके से। इसके बाद बोला गया है, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर, जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं इसको एक्सटेंड करने के बाद वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है।
तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी एक्सटीरियर एंगल की बात होगी तो आपको इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ए और एंगल सी के बराबर होगा। तो इस बात को हम यहां पर लिख लेते हैं, एंगल डी बी ए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एंगल डी बी ए, ये किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी, ए सी बी, ओके, और एंगल ए, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं एंगल ए। इसके बाद लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इन द सेम मैनर जब हम बात करेंगे इस एंगल की, दैट मीन्स एंगल ए सी ई, तो ये एंगल आपका बराबर होगा ए बी सी, दैट मीन्स इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, ए बी सी प्लस एंगल ए, ओके, एंगल ए आपका कॉमन है तो इसलिए मैंने इसको एंगल ए ही लिख दिया है। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हमने जो भी गिवन था आपको कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स एंगल भी इक्वल हो गए, तो एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, ओके, एंगल ए सी बी, ठीक है। अब देखिए, यहां पर देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में एंगल ए सी बी है आपका और यहां पर ए बी सी है और ये दोनों एंगल बराबर हैं। यहां पर देखिए ये एंगल आपके बराबर हैं दोनों, ओके। अगर मैं यहां पर इस एंगल को एक्स मान लूं, ठीक है, तो ये भी आपका एक्स होगा, आगे बात समझ में, दैट मीन्स ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। मैंने सिर्फ इतना किया है कि एंगल ए सी बी की जगह एक्स डिग्री को रख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से इस इक्वेशन में भी आप क्या करेंगे, मैंने एंगल ए बी सी की जगह एक्स डिग्री रख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपकी, ये जो राइट हैंड साइड है वो आपकी सेम है। इसका सिंपल सा मतलब है हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन से फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, यू कैन से एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। तो इन दोनों इक्वेशन से आपने बोल दिया कि दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। इन फिगर 12.24 ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी बी इज इक्वल टू डी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी। देखिए यहां पर आपको फिगर गिवन है, क्या क्या गिवन है, आप देखिए ए बी किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है, दोनों साइड बराबर है इस ट्रायंगल की ए बी सी की, ओके। इसके बाद डी बी जो है वो डी सी के बराबर है, डी बी जो है वो डी सी के बराबर है, ओके। इसके बाद बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ए बी डी एंड ए सी डी। देखिए कौन कौन से एंगल है आपके, ये आपका ए बी डी है और ए सी डी, ये एंगल। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, आपको इस लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, ए डी लाइन को, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे होगा क्या, ठीक है, ए डी इज ज्वाइंट, आपने यहां पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया। देखिए अब होगा क्या, यहां पर आपके दो ट्रायंगल बन गए, एक बन गया आपका ए बी डी और दूसरा बन गया ए सी डी, ठीक है, तो दो ट्रायंगल आपके सामने हैं। अब दो ट्रायंगल के बनने से हुआ क्या, हम यहां पर छोटा सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिपल एस वाला, ठीक है, दैट मीन्स साइड साइड साइड, ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपके हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो आपकी ए सी के बराबर है, इसके बाद बी डी बराबर है डी सी के, ओके, और ए डी आपकी कॉमन है,
ठीक है, और ये बात हो रही है ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी की। ठीक है, देखिए ये भी आपकी साइड है ना, ये भी आपकी साइड है और ये भी आपकी साइड है। इसके बाद आप यहां पर लिख सकते हैं बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल दीज एंगल्स, दैट मीन्स एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। देखिए अब होगा क्या, जब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आप इन एंगल्स को बोल सकते हो, यू कैन से एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एसीडी। क्यों होगा? विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, दैट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि जब आप किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो इसके बाद बाकी पार्ट्स भी इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो क्या होगा। देखिए लेट्स से मैं यहां पर लिख देता हूं एबीडी रेशियो एसीडी। रेशियो क्या होगा, लेट्स से मैं मान लेता हूं ये आपका एक्स डिग्री है और ये भी एक्स डिग्री है। ओके, क्योंकि दोनों एंगल्स आपके इक्वल हमने यहां पर सीपीसीटी से लिख दिए हैं तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं एक्स डिग्री, एक्स डिग्री। अब यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दैट मीन्स ये कट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सॉल्व हो के हम इसको लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाई वन, दैट मीन्स वन रेशो वन, ये रेशो होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो रेशो होगा वो क्या होगा, वन रेशो वन होगा। तो चलिए बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।